तो भाइयों वैसे तो हरियाणा की 60% जमीन रांगड़ राजपूतों की थी, हमारे मुस्लिम राजपूत भाइयों की थी। उनके जाने के बाद नुकसान तो बहुत हुआ है, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती कभी भी। हरियाणा और पंजाब में बहुत तो बड़ा नुकसान राजपूताना का हुआ था, लेकिन आज भी हरियाणा के 11 जिलों में सबसे बड़े गांव राजपूतों के ही हैं। तो भाइयों हरियाणा का सबसे बड़ा गांव सीवन है, जो कि राजपूतों का है। हरियाणा का सबसे बड़ा शुद्ध गांव सालवान है, वह भी राजपूतों का है। भवानी और महेंद्रगढ़ दोनों जिलों के वादी में टॉप 10 गांव सारे राजपूतों के हैं। अंबाला, करनाल और गुड़गांव के टॉप 5 सारे गांव राजपूतों के हैं। अगर पार्टीशन नहीं हुआ होता तो हरियाणा के हर जिले में टॉप 5 या 10 गांव और पूरे हरियाणा के टॉप 25 गांव सारे राजपूतों के होते। विभाजन के कारण कई गांव की डेमोग्राफी बदल गई और कई गांव की वादी आधी रह गई। जैसे रोहतक में पहले एक गाना मशहूर था, मरी लाहली सैंपल उठी कलानौर कारे थाना, छोटे गांव की के गिनती करें बड़े गांव कहनौर निकाना। ये वही कलानौर था जहां पर राजपूतों द्वारा कोला पूजन करवाया जाता था। सुहाग रात के वो दिन बिताए जाते थे, ये सुनकर जिनको सुनाना था उन्होंने सुन लिया होगा। ये कहावत भी बड़ी मशहूर थी, दिल्ली से 50 कोस कहानोर और निकाना, अपनी कमाई आप खाते ना दे किसी को दाना। आज कहानोर और निकाना को कोई नहीं जानता, यही हाल कभी मध्य हरियाणा के सबसे बड़े मशहूर गांव रहे कान्ही बैंसी मोठ लोहारी नखथला तलवंडी राणा जमालपुर हाजमपुर बलियाली बुन्ना आदि का है। कलानौर तो शहर है, अब उत्तरी हरियाणा में भी असंद सफीदो जुंडला हाबड़ी जलमाना पुंडरी बालू गूंथला जैसे बड़े गांव सब राजपूतों के ही थे। नॉर्थ हरियाणा पूरी तरह राजपूत लैंड था। राजसब रिकॉर्ड्स के अनुसार हरियाणा के सबसे पुराने गांव राजपूतों के ही हैं। तुर्क और मुगल शासकों द्वारा हरियाणा में किसान जातियों को बसाने से पहले हरियाणा में चरवाहा संस्कृति का प्रचलन था। ज़्यादातर क्षेत्र में जंगल हुआ करते थे। राजपूतों के बड़े बड़े राज्य हुआ करते थे, जिनमें छावनियों की तरह बड़े बड़े किलू नामक गाँव हुआ करते थे जो जंगलों से गिरे हुए थे। तुर्क और मुगल शासन द्वारा राजपूतों के दमन किए जाने का मुकाबला करने के लिए बड़े किलेनुमा गांव का प्रचलन और बढ़ा। हरियाणा में बड़े गांव होने के पीछे का ये बड़ा कारण था। हरियाणा के सभी पुराने बड़े शहर भी ज़्यादातर राजपूतों के द्वारा ही बसाए हुए हैं, जैसे अंबाला, करनाल, पानीपत, जिंद, गोहाना, रोहतक, भिवानी, हांसी, फतेहबाद, सिरसा, दादरी, अरेवाड़ी और पलबल आदि। भिवानी पलबल तो अब भी राजपूतों के शहर हैं। पुराने शहर में अब भी राजपूतों की बड़ी वादी है। पानीपत, करनाल, फतेहबाद और अंबाला शहरों में तो 1947 तक राजपूत राणाओं के मोहल्ले हुआ करते थे। बहुत से राजपूतों के गांव जो अब कस्बे या शहर बन चुके हैं, जैसे गरोंडा, कलायत, बबयाल, बराड़ा, मुलाना, भवानीखेड़ा, सोहना, हथीन, भिवानी और पलबल वगैरह, इनको गांव की लिस्ट में हमने शामिल नहीं किया है। हालांकि इसमें ज़्यादातर में सबसे बड़ी आबादी आज भी राजपूतों की है। तो आज हम आपको गांव की लिस्ट बताने जा रहे हैं, जो 2011 की आबादी के अनुसार है। अभी इसकी आबादी बढ़ गई होगी, आप अंदाज़ा लगा लेना। सिवान जो कि कैथल में है, मड़ाड़ राजपूतों का गांव है। हरियाणा का सबसे बड़ा ग्राम पंचायत है, हालांकि अब कस्बे का रूप ले चुका है। विभाजन के समय काफ़ी राजपूत जहां से पाकिस्तान चले गए, वरना आज बड़ी वादी में जहां राजपूतों की होती है। आज भी इस गांव में 24,000 आबादी है, जिसमें ज़्यादातर राजपूत ही हैं। इसके अलावा बराड़ा जो कि अंबाला में चौहान राजपूतों का गाँव है, अंबाला जिले का सबसे बड़ा गाँव है, हालांकि अब ये भी कस्बे का रूप ले चुका है। जटोली जो कि गुड़गांव में चौहानों का सबसे बड़ा गांव और गुड़गांव का सबसे बड़ा गांव है, जे आज भी इसमें ज़्यादातर राजपूतों की ही आबादी है। करनाल जिले में सलवान गांव
ये भी मड़ाड़ राजपूतों का गांव है। हरियाणा का सबसे बड़ा विशुद्ध गांव है। लगभग 8000 से ज़्यादा राजपूत वोट हैं और सबसे बड़ा रकबा जमींदार राजपूतों का गांव है ये। बाहेड़ा कलां ये गुड़गांव में चौहान राजपूतों का सबसे दूसरा बड़ा गांव है। इसके बाद रोजांद जो कि कैथल में मड़ाड़ राजपूतों का है, इस गांव की आबादी भी लगभग 18000 है। बोंडसी जो कि राघव राजपूतों का गांव है, जहां पर भी लगभग 17-18000 आबादी है। गोंदर जो कि करनाल में जो चौहान राजपूतों का गांव है, लगभग 15000 की आबादी है। लेकिन अगर पार्टीशन ना होती, हमारे रांगड़ राजपूत भाई आज भी होते तो इसकी आबादी डबल होनी थी, डबल से भी ट्रिपल होनी थी। इसके बाद बोपाटा भिवानी में तवर राजपूतों का गांव है और भिवानी का सबसे बड़ा गांव है। जनरल बीके सिंह भी जहां से थे और जहां से बहुत सारे लोग पलायन करके भिवानी में चले गए हैं शहरों की तरफ, जहां पर भी 15000 से ज़्यादा आबादी है। इसके बाद बलियाली जे भी तवर राजपूतों का गाँव था, जहाँ पर बहुत सारे राजपूत मुसलमान बन गए थे, लेकिन अब भी गाँव में राजपूतों की 80 आबादी है। अगर पार्टीशन ना होता तो रांगड़ राजपूत भाई अभी भी होते तो जहाँ पर राजपूतों की आबादी बहुत ज़्यादा होनी थी, आज इस गांव की आबादी 15000 है। इसके बाद बोंद कला जो कि दात्री में है, परमार राजपूतों का गांव है, ने बनेंगे दात्री जिले का सबसे बड़ा गांव है। फरीदाबाद का श्यांसी गांव जो कि फरीदाबाद का सबसे बड़ा शुद्ध गांव है, जो कि बाटी राजपूतों का है। इसके बाद मुआना मड़ाड़ राजपूतों का गांव है, जिंद जिले का सबसे बड़ा गांव ही ये है। अगर पार्टीशन ना होती तो मड़ाड़ राजपूतों की जहां मुआना में जिंद जिले में बहुत बड़ी आबादी होनी थी। इसके बाद कलिंगा जो कि परमारों का गांव है, इसके अलावा चांग भी परमारों का है। इसके वाला खड़क कलां जो कि भिवानी में जे भी परमारों का है और इन सभी गांव की आबादी 12-13000 से ज़्यादा है। इसके बाद देवसर दिनोद ये सब तवर राजपूतों के गाँव हैं भिवानी में और जहाँ पर भी 12-13000 से ज़्यादा आबादी है। इसके अलावा बाता जो कि कैथल में मड़ाड़ राजपूतों का गांव है, जहां पर भी 12000 की आबादी है। मूनक करनाल में मड़ाड़ राजपूतों का गांव है, 12000 की आबादी है। इसके अलावा डडलाना पानीपत में मड़ाड़ राजपूतों का गांव है और पानीपत ज़िले में अब राजपूतों का बचा हुआ अकेला बड़ा गांव है, लेकिन ज़िले के टॉप 3 गांव में शामिल है। अगर पार्टीशन नहीं होती तो पानीपत ज़िला भी राजपूत बाहुल्य होना था, रांगड़ राजपूत बाहुल्य होना था। फरल गांव जो कि कैथल में तवर राजपूतों का गांव है और जहां कैथल में भी तवर राजपूतों की, इस गांव में 12000 की आबादी है। इसके अलावा तिगड़ाना भिवानी में जे भी तवर राजपूतों का गांव है, जहां पर भी 11000 लगभग आबादी है। महेंद्रगढ़ में शेखावत राजपूतों का सतनाली गांव, जहां पर लगभग 10000 से ज़्यादा आबादी है और महेंद्रगढ़ ज़िले का सबसे बड़ा गांव है। और महेंद्रगढ़ ज़िले में आबादी के हिसाब से सभी 10 गांव राजपूतों के हैं, जिसमें ज़्यादातर तवर राजपूत हैं। इसके अलावा केरू जय भी भवानी में तवर राजपूतों का गांव है और लगभग इसकी भी आबादी 10000 है। अराड़ा जो कि करनाल में मड़ाड़ राजपूतों का गांव है, इसकी भी लगभग आबादी 10000 है। लोहारी जाटू जो कि भिवानी में जाटू तवर राजपूतों का गाँव है, लगभग 9000 की आबादी है। इसके बाद दनोदा जो कि महेंद्रगढ़ में है, तवर राजपूतों का गांव है, 9000 की आबादी है। बरवाला जो कि पंचकुला का सबसे बड़ा गांव है, जहां पर इस गांव में ज़्यादातर टोनी बाटी राजपूत हैं। इसके अलावा कासन जो कि चौहान राजपूतों का गांव है, गुड़गांव में बहुत बड़ा गांव है। इसके अलावा उजीना जो कि मेवात में जदुवंशी शोकर राजपूतों का गाँव है, ये बहुत बड़ा गाँव है ये भी। इसके अलावा जखोली जो सोनीपत में चौहान राजपूतों का बड़ा गांव है, जो कि टॉप 5 में शामिल है सोनीपत में। और इसके अलावा गढ़ी हसरू जो कि गुड़गांव में चौहान राजपूतों का बड़ा गांव है और डंडौती में चौहान गांव राजपूतों की 60 गांव की रियासत भी हुआ करती थी, उसकी राजधानी यही थी गुड़गांव में। इसके अलावा बेहटा जो कि अम्बाला में, अम्बाला का दूसरा बड़ा गाँव है और ये भी चौहान राजपूतों का गाँव है। उगाला अम्बाला का तीसरा बड़ा गांव है, ये भी चौहान राजपूतों का गांव है। इन दोनों गांव की आबादी लगभग 7-8000 से ज़्यादा है। राजपूतों के वो गांव जो अब नगर निकाय बन चुके हैं, जैसे बबियाल अम्बाली में ये भी टोनी राजपूतों का, टोनी बाटी राजपूतों का गांव था, अभी भी है अम्बाला शहर में, अम्बाला शहर के साथ लगता है, जो कि टोन बन चुके हैं, जहाँ पर बाटी टोनी राजपूत अम्बाला इस इलाके में ज़्यादा है। इसके अलावा गरोंडा
जो कि करनाल में है, जे मड़ाड़ राजपूतों का गांव है लेकिन अब शहर बन चुका है। जे कलायत जे भी मड़ाड़ राजपूतों का गांव है लेकिन अब शहर बन चुका है। ये भवानी खेड़ा जे भी तवर राजपूतों का गांव था लेकिन अब जे भी भवानी खेड़ा जो भवानी खेड़ा भिवानी में है ये शहर बन चुका है। इसके अलावा सोना जो ये भी शहर बन चुका है जो कि राघव राजपूतों का गांव था। इसके अलावा हथीन जो कि पलबल में शोकर राजपूतों का गांव था ये भी नगर पालिका बन गया है। इसके अलावा वो ये भी अम्बाला में टोनी राजपूतों का गांव था लेकिन अब शहर बन गया है। अम्बाला में पता लग रहा है कि टोनी राजपूतों के भी काफ़ी गाँव हैं, बड़े गाँव हैं। इसके अलावा राजपूतों के गाँव जो अब बड़े शहर बन चुके हैं लेकिन अब भी राजपूतों की बड़ी आबादी यहाँ रहती है। भिवानी में लगभग 2 लाख आबादी है। शहर में 16 पन्ने राजपूतों के हैं और जहाँ ज़्यादातर सभी तवर राजपूत हैं। लगभग राजपूतों की 30,000 से ज़्यादा आबादी है भिवानी शहर में, जो कि ज़्यादातर तवर है। इसके अलावा पलवल की 23,500 आबादी है पलवल शहर की, जिसमें 9 पट्टी राजपूतों की है। 18,000 से ऊपर वोट हैं और नगर परिषद में 5 राजपूत हैं और जहाँ पर खंगरोट राजपूतों की ज़्यादा आबादी है। और जो हमने ये बताए आप खुद देखिए कि इतने बड़े बड़े गांव राजपूतों के हुआ करते थे, ये तो अभी बचे हुए जो हैं वो बताए। लेकिन अगर रांगड़ राजपूतों के जैसे लगाने हो तो लाखों गांव, पूरा हरियाणा ही राजपूतों ने बसाया था। बड़े बड़े गांव बसाए हुए थे कि जब तुर्क वगैरह बाहर से हमला करने आते थे तो बड़े इकट्ठे रहते थे और युद्ध लड़ते थे। तो इसी वजह से रांगड़ बोलते हैं कि हमारी 60% ज़मीनें थी, 1947 का बंटवारा नहीं होता तो हरियाणा में राजपूताना बनना था। और आज भी नॉर्थ हरियाणा में राजपूतों की अच्छी खासी आबादी है।